अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर मटेरियल एडिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कोई सा भी 3D ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर हम मटेरियल जो है वो किस तरह से लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने 3D स्टूडियो मैक्स को जो है वो ओपन किया। जैसे ही मेरा 3D स्टूडियो मैक्स जो है वो ओपन होगा, यानी कि इसका GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। हम वहां पे उसके व्यू पोर्ट के अंदर जितनी भी व्यू पोर्ट्स हैं, टॉप है, लेफ्ट है, बॉटम है और प्रिस्पेक्टिव है, हम प्रिस्पेक्टिव के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हम लोग मटेरियल एडिटर में जाकर उनके ऊपर मुख्तलिफ मटेरियल लगाएंगे। और साथ में आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आईना के तौर पे कैसे बना सकते हैं। यानी कि आज इसके अंदर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी, जैसे आप ये डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स अपना दिखा रहा है। तो ये रे ट्रेस का कमाल है, तो इसको आज हम देखते हैं। ये देखें, 3D स्टूडियो मैक्स जो है वो यहां पर ओपन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम अपना ऑर्बिट जो है इसको ठीक कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ऑर्बिट को थोड़ा सा ठीक किया है। और साथ में ही मैं इसके ऊपर एक प्लेन जो है ये ड्रा कर रहा हूं, और इस प्लेन का साइज जो है वो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मैंने 300 और 300 जो है इंचेस में इसका साइज रख दिया है। सेगमेंट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप सेगमेंट भी बढ़ा लें, वैसे तो फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम लोग मटेरियल एडिटर पे काम करेंगे। कलर जो भी आप इसका रखना चाहो आप वो रख सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं डायरेक्ट किसी प्लेन के ऊपर पहले मटेरियल जो है उसको लगाता हूं, तो मैंने एम प्रेस किया। मटेरियल एडिटर को ओपन करने की शॉर्टकट की जो हमारे पास है वो एम है। इसमें आप देखिए कि हमारे पास कुछ, अगर मैं इसको देखूं, मैंने अभी कुछ ये ऑब्जेक्ट जो है शेडर बेसिक पैरामीटर इसको बंद किया है, ब्लिंक बेसिक पैरामीटर को बंद किया है, एक्सटेंडेड पैरामीटर को बंद किया है। बाकी जो मेरे पास थे वो ये देखें, बेसिकली हमारे पास जो मटेरियल एडिटर है वो ये होगा। आप जब भी मटेरियल एडिटर को ओपन करोगे, आपको अगर ये इस तरह फॉर्म में मिले तो आपने यहां पे प्लस के बटन पे क्लिक करके इनको एक्सपेंड कर लेना है। ये देखिए, ये दो ऑब्जेक्ट जो है ब्लिंक बेसिक पैरामीटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, और इसके बाद जो है वो मैप इस्तेमाल होंगे। देखिए, मैंने मैप पे क्लिक किए, ये मल्टीपल मेरे पास मैप है, जो भी मैप हम यहां से सेलेक्ट करेंगे वो मैप इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। फिलहाल मैं एक मटीरियल जो है वो इस पे ऐड करने लगा हूं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे मटीरियल डिटेल में काफी सारे मेरे पास मटीरियल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं ब्लिन बेसिक पैरामीटर में जाता हूं। यहां पे देखें, इमीडिएट है, डिफ्यूजर, सर्कुलर।
अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप अपनी मर्जी का जो भी कलर देना चाहो वो आप दे सकते हैं। अगर आप कलर भी देना चाह रहे हैं, देखिए मैं स्पिरिचुअल की लेवल का भी जो है कलर चेंज कर देता हूं। ओके, सिंपल मैसी को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता हूं तो मैंने ऑब्जेक्ट पीछे सिलेक्ट किया हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना। ये इस बटन का नाम जो है वो देखेंगे ये बना हुआ है कि आपका जो टेक्स्ट है वो अप्लाई हो जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो भी मटेरियल आप लगाओगे, और इसको शो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये शो हो जाएगा इससे, क्योंकि अभी मेरे पास एक सिंगल मटेरियल है तो सिंगल मटेरियल में आपको ऑब्जेक्ट जो है एक कलर, ये डायरेक्ट कलर भी आप लगा सकते थे और आपने मटेरियल के बिहाफ पे भी कलर बना लिया। अब मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूं, इस बॉक्स पे आपने क्लिक करना है, ये बेसिकली बटन है, और यहां पे आप देखें कि आपके पास काफी सारे जो मटेरियल है वो डिस्प्ले हो गए हैं। आपने यहां से व्यू को व्यू लिस्ट में, अभी ये सिंपल व्यू लिस्ट है और ये व्यू लिस्ट आइकन के तौर पे होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा मटेरियल जो है वो इस पे लगाना चाह रहे हो। तो मैं यहां से चेक बॉक्स जो है इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए मेरा चेक बॉक्स आ गया है। अब आप इस चेक बॉक्स की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉरन पहले ये बंद था, जैसे मैंने चेक बॉक्स लगाया तो ये चेक बॉक्स के कलर जो है ये डिस्प्ले हो गए हैं। आप अगर कोई मैप लगाना चाहते हैं आप मैप लगा लें, तो मैं यहां से इसका कलर जो है वो डिसाइड कर लेता हूं। ये देखिए एक मैंने ग्रीन रखा है और दूसरा कलर जो है वो हम रेड में आ जाते हैं। ओके, अब आप इसकी टाइलिंग कर लें 20 और 20। ये देखिए मैंने 20 बाय 20 की एक टाइलिंग जो है वो बना ली है, तो वो बहुत बारीक है। अब इसको हम 5 10 बाय 10 कर लेते हैं। ये लें, अब कुछ बड़ी टाइलिंग भी नजर आ रही है। वापिस आपने जाना है तो आप गो टू पेरेंट पे जाओगे, क्योंकि अभी आप इस मटेरियल के अंदर जो करंट आपने लगाया है इसमें मौजूद हो। अब मैं वापस पेरेंट पे जा रहा हूं, मैंने पेरेंट पे क्लिक किया तो वापस मैं अपने पेरेंट पे आ गया। अब मैं इसके ऊपर अपना मजीद कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लगाता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने एक सफेयर जो है ये मैंने यहां से लिया और ये मैंने ड्रा कर दिया। सबसे पहले आप स्फीयर की जो प्रॉपर्टी में जाके वैल्यू है क्योंकि ये इक्वल होना चाहिए, मैं इसको 30 कर देता हूं साइज इसका, और उसके सेगमेंट आप जितने ज्यादा सेगमेंट रखेंगे ये उतना ज्यादा ही स्मूथ होगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे जैसे आप सेगमेंट बढ़ाएंगे ये स्मूथ होगा। ये देखिए मैंने अब कम किए तो आपको ये इस फॉर्म में नजर आ रहा है 10 पे, ये देखें 5 पे, ठीक है। लेकिन ये जितने ज्यादा आप सेगमेंट करोगे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उतना ही ज्यादा खूबसूरत आपको नजर आएगा। अब मैं इसके ऊपर मटेरियल लगाता हूं, तो मैंने फिर दोबारा से एम प्रेस किया। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूं, यहां पे मैंने नॉन डिफ्यूज के सामने जो बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां से कोई भी मटीरियल जो है वो सिलेक्ट कर ले। फालतू मैंने ये स्विल का मटीरियल सिलेक्ट किया, तो ये देखिए अब स्विल के मटेरियल के लिहाज से मेरे पास जो पैरामीटर है वो ओपन हुआ है। तो हम इस स्विल का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, कि मैंने इसका कलर जो है चेंज करने लगा हूं। ओके, अब मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसको असाइन करता हूं, मैंने इस पर क्लिक किया। देखिए आप भी असाइन हो चुका है लेकिन अभी शो नहीं हो रहा, तो आपने फौरन ही जाके शो के ऊपर क्लिक कर देना ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है मटेरियल जो है वो शो हो जाए। अब आप इसकी टाइलिंग करना चाहते हैं तो ये देखें आप इसकी टाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। इसको जिस तरह से आप टाइल करना चाहो, ये देखिए आप उसी तरह से ऑब्जेक्ट को टाइल कर सकते हो। मुझे फिलहाल टाइलिंग जो है वो वन साइड की चाहिए, तो मैं इसके 5 टाइल्स कर लेता हूं।
ठीक है, आप इसको मजीद अगर आप करना चाह रहे हैं, ये देखिए मैंने 6 की और ये 7, तो ये एक ऑब्जेक्ट जो है मैं 8 कर देता हूं, 8 पीसेस में ये टाइलिंग चॉइस की हो जाएगी। अब आप वापस अपने पेरेंट पे जाओगे। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्ट करे, मींस उसे कि ये एक शीशे का ऑब्जेक्ट बन जाए, मैं पहले इसकी एक कॉपी जो है वो क्रिएट कर लेता हूं ताकि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मेरा वैसे रहे और जो मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं उसके ऊपर मैं अपना ये काम करूं। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट मैं वैसे रखूंगा और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं काम करूंगा। मैंने एम प्रेस किया, यहां पे एक तो आपने ओपेसिटी काम कर लेनी है। ये देखिए मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी काम कर रहा हूं, अब क्योंकि वो कॉपी हुआ हुआ है तो वो दोनों पे काम कर रहा है। इसके बाद आपने इसका स्पीरियो लेवल बढ़ा लेना है ताकि इसमें कुछ शाइन जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए। ये देखेंगे कुछ शाइन आपको यहां पे नजर आ रही है। अभी ये यहां पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम लोगों ने शेड अप्लाई किया हुआ है। अगर आप इस शेड की सेटिंग करना चाह रहे हैं तो यहां पे आप जाएं स्मूथ एंड हाईलाइट व्यू पोर्ट बैकग्राउंड, आप इसके ऊपर व्यू पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन में आप जाओगे, यहां पे कॉन्फ़िगर होगा, ये देखें प्लस के ऊपर जब आप राइट क्लिक करोगे तो यहां पे कॉन्फ़िगर में आप आओ, यहां पे ये देखें टू शेड फोर्सेस लगा हुआ है, आप इसको अनचेक कर दो और फोर्सेस टू साइड को सिर्फ ओपन रखो स्मूथ ओके। अब हम क्या करते हैं, 8 प्रेस करते हैं और इसका मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने कलर जो है वो चेंज करना है बैकग्राउंड का ओके। अब मैं सिंपल F9 जो है वो प्रेस कर देता हूं, तो ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मेरे सामने जो है वो बना हुआ नजर आया है। ये देखिए हल्का सा नीचे से आपको वो आ रहा नजर। अब मैं ये चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है जिनके ऊपर हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट लगाया, क्योंकि ये कॉपी बनाई थी इसलिए इसके ऊपर ये चेंजिंग आ रही है दोनों के ऊपर, मेटीरियल एक लगा हुआ था। अगर मैं इसका मटेरियल खत्म कर देता हूं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नया मटेरियल ऐड करता हूं, ये देखिए इसमें मैंने अभी कोई मटेरियल नहीं लगाया। अब मैं इस मटेरियल की सेटिंग करने लगा हूं। ये देखिए मैंने इस पे सेपरेट मटेरियल एक लगाया। अब इस मटेरियल के ऊपर मैं जाके स्टूडियो लेवल चेंज करता हूं, शाइन कर कलर में आप इसे करना चाहो वो कलर आप दे सकते हो। ये देखो मैंने ब्लैक के ऊपर इसके मैं इस शीट में दे रहा हूं, तो आप अपनी मर्जी से अपने ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी हम काम कर रहे हैं। मैंने कैपेसिटी काम की तो सेम ऑब्जेक्ट अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें F9 मैंने प्रेस किया तो ये आपका एक बलून टाइप ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया है और वो ऑब्जेक्ट हमारा वैसे कलर से सेपरेट पड़ा। अब मैं ये चाहता हूं कि ये इसके साथ रिफ्लेक्ट हो, तो मैंने क्या करना है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मटेरियल एडिटर में गया और यहां पे आप देखिए मैप आपके पास पड़ा है रिफ्लेक्शन, ये देखिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नन है फिलहाल, तो कोई भी जो आप इस पर रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं आप उस मैप को सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें। देखिए मैं इसको ऐसे ही रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहा हूं, अब मैं इसको अप्लाई करता हूं। मिरर में जाएं, यहां पे आपने सिर्फ बिट मैप को लगानी थी जो कि रिफ्लेक्शन में आपके पास आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्स के अंदर ही जहां पे वो इंस्टॉल है वहां पे हमारे पास इमेजेस जो है वो पड़े हुए हैं,
ये देखें मैक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है, मैप्स पे जाते हैं, आप कोई भी यहां से मटेरियल जो है वो लगा लें। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर भी मैं ओपेसिटी की बजाय डायरेक्ट मैप जो है रिफ्लेक्शन रे ट्रेस आपने सिलेक्ट करना है यहां से, यहां पे आपके पास रे ट्रेस पड़ा होगा और उसमें आप रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये देखिए कोई भी कलर जो आप लगाना चाह रहे हैं वो आप इसको दे ओके, सिंपल F9। हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो रह गया था। रे ट्रेस यहां पे भी आपने देना है, ये देखिए रे ट्रेस जो है वो मैंने यहां पे भी दिया है। अब आप F9 प्रेस करेंगे, वो देंगे क्योंकि हम बस दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, तो जिस पे हमने लगाना था वो अब लगाया है। तो ये देखिए आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आपके दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी क्योंकि हमने काम नहीं की थी तो वो रे ट्रेस ही उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो है उसने काम कर दी। अब आप इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो लगाएंगे, यहां पर देखिए मैं अगर एक टी पोर्ट देता हूं लगाया, इस टी पोर्ट की वैल्यू जो है वो हम स्मूथ कर देते हैं। मैंने स्मूथ किया, कोई भी मटेरियल इस पे हम लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे एक तो इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी काम करता हूं, इसके स्पिरल लेवल इसका बढ़ा देते हैं और इसके ऊपर मैं मार्बल का मटेरियल जो है वो लगा देता हूं। ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को क्योंकि सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए मैं इस पे शो करवा रहा हूं, साथ के साथ ही ओपेसिटी में बन गया मेरा। मार्बल का कलर आप चेंज करना चाहो आप वो कलर चेंज कर सकते हो। वो हो रही है क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रे ट्रेस जो है वो लगाया था आपका मार्बल, क्योंकि कलर हमने कुछ इस तरह के बनाया कि वो प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, इसके साथ हम इसकी टाइलिंग बढ़ा रहे हैं प्रॉपर। अब इसकी टाइलिंग तो ये देखें अब आपको प्रॉपर मार्बल जो है वो इसमें नजर आ रहा है और नीचे भी आपको रेड ट्रेस जो है वो नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि पीछे मेरा जो है वो कोई और, अभी तो फिलहाल हम एक सिंपल कलर इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मैं कलर की जगह कोई स्काई या इस तरह कोई ऑब्जेक्ट दिखाना चाहूं तो वो भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए मैंने 8 प्रेस किया, यहाँ पे एनवायरमेंट का हम लोगों ने पहले कोई कलर एक दिया हुआ था, अब मैं कलर नहीं देना चाह रहा। ये देखिए मैं कलर चेंज करके इसका एनवायरमेंट का फिर F9 प्रेस कर रहा हूं, ठीक है तो पीछे कलर चेंज हो गया है लेकिन अब मैं चाहता हूं कि नहीं कुछ स्काई नजर आए तो आपने मैप में जाना है। ये देखिए मैं मैप पे क्लिक किया बिट मैप और यहां से आपने स्काई जो है उसे सिलेक्ट कर लेना। यहां पर आपके पास स्काई पड़ी होंगी, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मटेरियल इसी के अंदर मौजूद है, आपने सिंपल उनको सेलेक्ट करना है। ये देखिए ये स्काई पड़ा हुआ है, अब मैं F9 प्रेस करता हूं तो
वहां पे मेरा जो है वो स्काई डिस्प्ले होगा, ये देखिए रे ट्रेस भी डिस्प्ले हो रहा है और साथ में मेरा पीछे बैकग्राउंड पे स्काई जो है वो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मटेरियल जो है वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल जो है वो लगा सकते हैं, उनको रे ट्रेस की मदद से आप उनका रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्राई कीजिएगा ताकि आपको रे ट्रेस के बारे में पता चल जाए और उसके रिफ्लेक्शन के बारे में पता चल जाए और ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल और टेक्सचर कैसे लगाते हैं इसके बारे में पता चल जाए। लेक्चर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।